नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, परीक्षा के बारे में मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की जो भर्ती है वो कराई जा रही है। इसके लिए आप आवेदन 14 फरवरी तक कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या रहेगा आपके पास, तो आपके पास होना चाहिए होम्योपैथी में CCH, ठीक है, और CCH द्वारा स्थापित एक संस्था होती है, वहीं पर स्नातक होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, साथ ही मध्य प्रदेश राज्य में आपका होम्योपैथी परिषद में पंजीयन होना चाहिए। अंतिम वर्ष में जो भी हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त है कि आपकी जो इंटरव्यू है तब तक आपका जो इंटर्नशिप भी हो वो भी कंप्लीट हो गई हो। चयन प्रक्रिया की ओर चलते हैं, उससे पहले हम बता देते हैं 12 पोस्ट रहेंगे, SC की 7, जनरल की 12, ST की 9, 11 OBC, EWS की 4, कुल मिला के 43 वैकेंसी के लिए ये पद हैं, अस्थायी पद हैं, 5400 ग्रेड पे रहेगा। सीधी भर्ती है, कोई बात नहीं, अस्थायी स्थायी पद वो बाद में स्थायी हो जाते हैं। बात कर लेते हैं अंतिम वर्ष के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था आपको, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्जामिनेशन की जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में हम चलते हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इसकी पूरी एक विज्ञप्ति होती है दोस्तों। चयन प्रक्रिया आपकी जो है एग्जामिनेशन रहेगा, OMR बेसिस एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें 150 मार्क्स का पेपर, 150 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, कुल मिला के 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें पहला पोर्शन या पेपर का रहेगा जिसमें आपका रहेगा मध्य प्रदेश के 35 प्रश्न रहेंगे, जिसके बाद में आपके रहेंगे 10 क्वेश्चन आपके GS से रिलेटेड, 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे ICT से रिलेटेड, वहीं आपका 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपकी फील्ड से रिलेटेड रहेंगे, और माइनस मार्किंग इसमें 1 नंबर की रहेगी। तो उसके बेसिस पर जो मेरिट रहेगी उसमें 3 गुना जो कैंडिडेट पोस्ट के सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनको इंटरव्यू के लिए फर्दर बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चयन प्रक्रिया पूरी होगी, ठीक है। ये आपके अनुभव प्रमाण पत्र रहेंगे, इसको आपको जमा करना है, इनको भी आपको भेज देना है, ठीक है। और क्या है, तो फीस के बारे में आपको बता चुका हूँ कि 250 रुपये रहेगी, 500 रुपये अन्य के लिए, 40 रुपये आपको किस लिए लगेंगे, पोर्टल फीस, 50 रुपये आपको लगेंगे यदि आप कोई संशोधन कराना चाहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, OMR सीट से पेपर रहेगा, इसका ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।